दुनिया की सबसे रहस्यमय और शैतानी किताब। प्राचीन कालों से ही इस किताब की बार बार जिक्र होता आ रहा है। माना जाता है यह किताब शैतानों द्वारा एक रात में ही लिखी गई थी। इसे डेविल एंड बाइबल के नाम से जाना जाता है, जो कि पूरी तरह से चमड़ी की बनी हुई है। इसे लेकर एक कहानी भी बताई जाती है। एक बार एक ज्ञानी को जान से मारने की सजा सुनाई गई, लेकिन उस ज्ञानी ने अपने सजा को माफ कराने के लिए एक रात में ही ऐसी किताब लिखने का वादा करता है जिसमें दुनिया भर का सारा ज्ञान हो। ज्ञानी की बात सुनकर उसे किताब लिखने की इजाजत दे दी गई, लेकिन ऐसी किताब एक रात में लिख पाना किसी भी आम इंसान के बस में नहीं था। इस वजह से ज्ञानी ने शैतान की पूजा करके शैतान से मदद मांगी और शैतान भी राजी हो जाता है। लेकिन किताब लिखने के बदले में ज्ञानी की आत्मा मांगता है और शैतान की बात सुनकर ज्ञानी अपनी आत्मा देने के लिए राजी हो जाता है, जिसके बाद शैतान ने एक ही रात में किताब को पूरा कर देता है, जिसके बाद ज्ञानी की सजा तो माफ हो जाती है पर शैतान ज्ञानी की आत्मा को अपने साथ ले जाता है। कुल 160 पन्नों का इस किताब का वजन 85 किलो के आसपास है और इसे उठाने में कम से कम 2 लोगों की मदद लेना पड़ता है। आश्चर्य की बात यह है कि वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया है आज के समय में अगर इस किताब को लिखा जाए तो इसे पूरा करने में लगभग 3 साल का समय लग जाएगा और प्राचीन समय में इसे एक रात में पूरा कर दिया गया था। आपको बता दें कि यह किताब फिलहाल में स्वीडन के पुस्तकालय में सुरक्षित रखी गई है। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर करना।